नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को सेप्टिक टैंक से संबंधित सभी जानकारी देने वाला हूं, और मैं इससे जुड़ी सावधानियां, इससे बनाने से फ़ायदे और इसमें कौन कौन सी बचाव करने चाहिए, कितने प्रकार की सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं, फिर उसे ढाल कर बनाना चाहिए या प्लास्टर करके वगैरह, सभी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है दोस्तों, तो कृपया आप इसे स्किप ना करिए बल्कि वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, यदि अगर आप मान लीजिए कि घर बनवा रहे हैं, आजकल की ज़रूरतों के हिसाब से लोग फैमिली मेम्बर के हिसाब से बनवाते हैं सेफ्टी टैंक और सोकपिट को, तो मान लीजिए कि जब आप बनवा रहे हैं नया नया मकान, तो उसमें इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कैसे आप उसको बनाएंगे। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में अभी हाल फिलहाल में मैं दिखा रहा हूँ कि दो या तीन लोग इस सेफ्टी टैंक को बनाने के लिए इसके सबसे पहले खुदाई हो रही है। और सेफ्टी टैंक जब भी बनाया जाता है दोस्तों, तो उसे मकान के अगले हिस्से में बनाया जाता है, ताकि जब भी भविष्य में सीवर आए तो उसे आप सीवर में कनेक्ट कर सकें। जैसे कि टॉयलेट से पानी निकल कर जाता है सेप्टिक टैंक में, और सेप्टिक टैंक से पानी निकल कर जाता है सोख्ता या सोकपिट में, और सोकपिट से निकलने के बाद जब तक कि सीवर नहीं आ जाता है तब तक वह सोकपिट में रहता है, और सीवर के आने के बाद सेप्टिक टैंक को ही डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है सीवर से। और भी मान लीजिए कि आप गांव में घर बनवा रहे हैं या फिर शहर में बनवा रहे हैं, अब लोग हर जगह पर सेप्टिक टैंक का उपयोग कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने पानी जो लीकेज वाली समस्या होती है सेप्टिक टैंक या फिर घर में ऐसी ना हो, वो सीधा से सीवर में जब कनेक्ट हो जाएगा तो हो जाता है। और मैं आगे इसमें सेप्टिक टैंक को बनाने में टोटल बजट के बारे में बात करने वाला हूँ, और इसमें कौन से ईंट का प्रयोग करना चाहिए, फिर कौन सी दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए, फिर प्लास्टर दोगा या फिर उसके सीमेंट का लेप चढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम लोग आज व्यवस्थित रूप से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि सेफ्टी टैंक के गड्ढे को बनाया जा रहा है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए परिवार के हिसाब से सेफ्टी टैंक की लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। अगर छोटा मोटा परिवार है आपका, तो उसके लिए आपको 2000 से लेकर 2200 लीटर तक का पानी आपके, जैसे कि मान लीजिए फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 या 6 लोग हैं, तो उसके लिए आपको मात्र 6.5 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 5 फीट गड्ढा का जब टैंक बनवाएंगे, तो ये एक छोटे परिवार के लिए काफ़ी सही रहेगा। अगर मान लीजिए आपके परिवार में 10 लोग हैं या फिर 12 लोग हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि जो उसकी लंबाई चौड़ाई लेनी होगी, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि जो गहराई लेंगे उसको 8 फीट ले लेंगे, जैसा कि ये अभी हाल फिलहाल में जो बनाया जा रहा है, इसकी जो गहराई हो जाएगी 8 फीट हो जाएगी, ऐसे लंबाई हो जाएगी 12 फीट, और ऐसे करके ले लेंगे आप 6 फीट तक, जो चौड़ाई हो जाएगी इसकी 6 फीट, 6, 8 और 12, यही इसकी साइज है। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या बेसी रख सकते हैं। आप अपने ठेकेदार या मिस्त्री से इसके बारे में आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर बनाने में काफ़ी सही रहे। अब इसमें देख सकते हैं कि जैसा कि इसमें गड्ढे को पूरी तरह से बना लिया गया है, अब इसमें जुड़ाई के कार्य को शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, सेप्टिक टैंक में बनाने से पहले सबसे नीचे ईंट बिछाकर पहले तो उसको एक बराबर कर लिया जाता है, और उसे धुरमुस से अच्छी तरह से बराबर कर लिया जाता है, ज़मीन को पीट पीट कर, ताकि वो नीचे बैठने की संभावना न रहे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो नीचे का जो फर्श होता है उसे गिट्टी से भी ढाल देते हैं, कोई लोग उसमें सरिया का भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है उसका बचाव कि सबसे पहले नीचे उसे या तो अच्छी तरह से धुरमुस से पिटवा कर, ईंट से बिछा कर, या फिर उसको ढाल दिया जाता है। फिर इस सेफ्टी टैंक की बाहरी दीवारों की बात अगर की जाए, तो यह बनाया जाता है 9-9 इंच की, और ये जो अभी दिखाया जा रहा है ये है आपके लिए ढक्कन दिखाया जा रहा है जो सेफ्टी टैंक में है। चूँकि उसको मैंने बताया था कि ये 6 फीट गहराई है, 12 फीट लंबाई और चौड़ाई 6 फीट, 8 फीट गहराई है, 12 फीट लंबाई है और 6 फीट चौड़ाई है, इसी वजह से इसमें 4 ढक्कन बनाया गया है, ताकि सभी को इस पर रखा जा सके।
सेफ्टी टैंकी गड्ढे की खुदाई को खोदने के लिए लगभग में 2 दिन लग जाता है, 2 या 3 दिन लग जाएगा। मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, कई जगह क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी सी कड़ी रहती है, कई जगह मिट्टी थोड़ी सी नरम रहती है, इसी वजह से कहीं कहीं इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। अब इसकी दीवार को जोड़ने की अगर बात की जाए तो 2 मिस्त्री अगर जोड़ेंगे तो लगभग 2 दिन में इसको जोड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए बाहरी वाली दीवार को जोड़ने में आसानी इसलिए रहता है ताकि बाहर काफ़ी अंदर काफ़ी स्पेस रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर 5 वाली इसको पार्टीशन में बांट दिया जाएगा तो इसको जोड़ने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पतली पतली जगह हो जाती है और इसे प्लास्टर और उसके ऊपर सीमेंट का लेप लगाने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है कम जगह होने की वजह से, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मसाला की अगर बात की जाए तो लाल वाली बालू का प्रयोग करिए और 1 नंबर वाले ईंट की, और इसमें मसाले की अगर बात की जाए तो इसमें 5-1 का मसाला रहेगा जो कि नॉर्मल जुड़ाई में किया जाता है, और कोशिश करिए कि इसे बालू को चाल कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जितना ज़्यादा ईंट अच्छी तरह से इसमें बैठेगा, ज्वाइंट बनेगा दीवार का, तो उसकी मजबूती ज़्यादा रहेगी ताकि इसमें लीकेज वाली समस्या ना रहेगी। और साइड में ये दो पाइप दिख रहा है तो दोस्तों उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। कभी कभी लोगों उससे वही जो प्लम्बरिंग वाले का टॉयलेट का पानी है उसी का पाइप है दोस्तों। कभी कभार क्या होता है कि जब सेफ्टी टैंक बनाया जाता है तो उसमें लोगों का कभी कभी पीलर पड़ जाता है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। अगर वो दीवार में ही आपके पड़ जाएगी तो वो दीवार से अटैच रहेगा और उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। जैसे कि इनका दिख रहा है एक आध दो जगह पीलर पड़ गया है, तो उससे ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीलर केवल 4 फीट पर रहेगा। जब भी आपका सेफ्टी टैंक बनेगा तो स्तर से लेंगे, ज़मीन के स्तर से, तो वो चला जाएगा आपके कम से कम 8 या 9 फीट, लोग ज़रूरत के हिसाब से उसको 10 फीट की गहराई ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपका छोटा परिवार है तो आप इतना बड़ा सेफ्टी टैंक का निर्माण मत कराइएगा। आप इससे छोटा वाला जिसकी मैंने मानक साइज़ बताई थी 6.5 फीट गहराई, 3 फीट चौड़ाई और 5 फीट गड्ढा केवल बना लेंगे तो वो 2200 लीटर तक की स्टोरेज आपके छोटे परिवार के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो ये मैं पहले दिन का बना दिखा देता हूँ। अब इसको सेफ्टी टैंक के कवर को ढक्कन को ढाल लिया गया है। इसके ढक्कन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये देख सकते हैं कि ये 4 इंची चौड़ा है। बात ये रहती है कि ये अगर इस मजबूत नहीं रहेगा तो सेफ्टी टैंक पार्किंग में या फिर बाहर ही बनाया जाता है, तो जब भी आप उस पर करेंगे तो उस पर 4 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर 2 व्हीलर लोगों को रखना होता है, तो हैवी बना रहेगा तो उस पर मजबूती ज़्यादा रहती है। और इसको बनाने के लिए सीमेंट, गिट्टी, छड़ और पानी का उपयोग किया जाता है, और इसे ढालने के बाद 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अच्छे से पक जाए, और उसके बाद 4 या 5 दिन या फिर 1 हफ्ते दिन के बाद ही इसको उठाकर सेफ्टी टैंक के ऊपर रख दिया जाता है। ये जितना मैं दिखा रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में ये केवल 1 दिन की जोड़ाई का है, 1 दिन में इतना जोड़ा गया है। अभी नीचे उतना मटेरियल पहुँचने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसी वजह से होती है। अब इसमें पाइट करके जैसे बनाया गया है इस पर, इसके ऊपर इसको जोड़ा जाता है जैसा कि मैं अभी हाल फिलहाल में दिखा रहा हूँ। ऊपर नीचे तरफ चारों तरफ से इसमें मिस्त्री लगे रहते हैं। इसकी बाहरी दीवारें दोस्तों हमेशा याद रखिए कि 9 इंची की होती है, और अंदर अब देख सकते हैं कि इसको पूरा अच्छी तरह से बना लिया गया है। बनाने के बाद इसमें देख सकते हैं कि बाहरी दीवारों के इसके 5-5 इंची का 9 इंची का बनाया गया है, और अंदर के जो पार्टीशन होते हैं उसको 5 इंची का बनाया गया है। अब मैं इसके कार्य प्रणाली को इसी में आपको बता देता हूँ। अब वैसे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो भी है मेरा, मैंने उसका लिंक में सब्सक्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको भी टच करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब ये बन गया है जो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी जो चौड़ाई बनाई गई है 6 फीट, इसकी लंबाई जो बनाई गई है 12 फीट बनाई गई है, और गहराई के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि 8 फीट गहरी बनाई गई है। अब हम लोग इसके कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे जो 2 पाइप दिख रहा है। इस पाइप को उस टॉयलेट से होकर गुजारा गया है, और इसका मतलब ये है कि यही इसका मेन चेम्बर है। इसी मेन चेम्बर में मलबा आता है, और जो भी टॉयलेट से होकर पास
पास होकर आता है, सब एसी वाले चैम्बर में आ जाता है। अब दोस्तों इसका प्लास्टर नहीं हुआ है, इसको प्लास्टर करके इस पर लेप भी चढ़ाया जाएगा। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसी मेन चैम्बर में ही पार्टीशन को चैम्बर में, जैसे कि मैंने बताया था कि मलबा आता है और मलबा नीचे बैठ जाता है और पानी इसके नीचे से ही पास करके इसके अगले चैम्बर में चला जाता है। क्योंकि ये दोनों चैम्बर जो होते हैं, जो पार्टीशन वन है पार्टीशन टू, दोनों आपस में अटैच रहते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो मैं दूसरे वाले पार्टीशन में दिखा रहा हूँ, वहाँ पर 3 होल बनाया गया है। ये जो सेकेंड वाला चैम्बर है, इसमें आता है जो मलबा वो नीचे बैठा रहता है और पानी का जो बहाव होता है, पानी जो कि हल्का होता है और मलबा थोड़ा सा भारी होता है, वो भी धीरे धीरे गल जाता है। क्योंकि अंदर जो कीड़ी पड़ जाती हैं, जो कीटाणु पड़ जाते हैं, वो मलबा को खा जाते हैं, उसके बाद वो पानी में बदल जाता है। उसके बाद ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में, ये वाला तीसरा वाला पार्टीशन है, ये वाला सोकपिट पार्टीशन होता है, इसको सोकता या सोकपिट पार्टीशन कहते हैं। इसे तो या तो आप सोकपिट में ले जाते हैं या फिर जैसे कि या फिर बाहर सीवर में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो वाला जो रखा हुआ है वो सोकपिट है या सोखता है। इस लास्ट वाले जो चैम्बर होता है, इसको आप सोखता में भी मिला सकते हैं और बाहर इसको सीवर में भी मिला सकते हैं। और कोशिश करिए कि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जब भी आप सोकपिट या सोकपिट और सेप्टिक टैंक दोनों का निर्माण करा रहे हैं, तो इसे मकान के बाहरी हिस्से में जो अवश्य बनवाएं तो सही रहेगा आपके लिए और आने वाली समस्याओं में जान। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपका, मान लीजिए कि कभी कभार सोकपिट या सेप्टिक टैंक कभी कभार लीकेज कर रहा है, तो उसके बाहरी जो पार्किंग में फर्श होता है, उसे लोग अक्सर ईंट बिछवा कर ही बना देते हैं, तो उसको खोद कर निकालने में सही रहता है। अभी मान लीजिए कि अगर आप रूम के अंदर बनवा देते हैं सेप्टिक टैंक या सोकपिट को, तो जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लीकेज आ जाएगा, जिससे कि उसका पानी का बहाव रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि अगर आप रूम में टाइल्स लगवाए हैं या फिर कोई भी ग्रेनाइट लगवाए हैं या फिर मार्बल लगवाए हैं, तो इस स्थिति में आपको तोड़कर उसका उपयोग करना पड़ता है, इसको लीकेज को निकालना पड़ता है। अभी ये वाला जो दीवार दिखा रहे हैं, ये वाला बाहरी वाला भी 9 का ही है। यहाँ पर केवल एक पाइप जाएगा जो टॉयलेट से होकर इसमें अटैच होगा। किसी किसी लोगों के, जैसे कि मान लीजिए एक बिस्तर से अधिक का मकान होता है, तो उसमें 2 या 3 या 4 टॉयलेट बनता है, तो जगह जगह से चारों तरफ से, मकान के चारों तरफ से इसमें आने के लिए व्यवस्था छोड़ा जाता है। इसीलिए वह 5 का बनाया गया है दीवार, ताकि वो उसमें आ सके। और ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जी इसमें जो भी मलबा रहता है, सभी मलबा वलबा को अच्छे से साफ़ कर लिया जाता है। उसके बाद मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसको या तो धुरमुस से कूट कर बराबर कर लिया जाता है, फिर इसको अच्छे से पीट कर, फिर इसमें ईंट बिछा कर सबको बराबर करके उसके बाद ईंट को जोड़ देते हैं। उसके बाद ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला इसका ढक्कन की लंबाई चौड़ाई है। इसमें टोटल 4 ढक्कन बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही शुरुआत में ही दिखाया था। अब इसको बने हुए 2 या 3 हो गया है, और इसकी जब मैं मोटाई के बारे में बात कर रहा था, तो वो 4 है। और इसको जब भी आप ढक्कन को बनवाइए, तो ज़रूरत से 2 या 3 अधिक बनवाइए, ताकि जब उसका सपोर्ट पड़े, जैसे मान लीजिए दीवार की जैसे कि लंबाई चौड़ाई 6 और 12 है, तो उसको 6 x 12 के करीब में बनवाइए, ताकि उसका जो भार रहे वो दीवार पर ना होकर थोड़ा सा बाहर निकला रहे, ताकि वह सपोर्ट पा सके, के लिए भी सही रहेगा और आपको आने वाले भविष्य के लिए भी सही रहेगा। क्योंकि एकदम एग्जैक्ट उतना होने पर ही थोड़ा सा समस्या हो सकती है, तो कोशिश करिए कि 1 या 2 को थोड़ा सा बढ़ा सके यहाँ। और जब भी सेफ्टी टैंक के ढक्कन को ढालिए, तो कोशिश करिए कि जहाँ पे सेफ्टी टैंक है आपका, उसके आस पास ही उसको ढालें, क्योंकि वजन में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, वजनदार हो जाता है, तो ज़्यादा वजनदार होने की वजह से आने जाने में थोड़ी सी समस्या हो जाएगी उसको लेकर जाने में। इसी वजह से पास में अगर आप ढालेंगे उसको, तो जल्दी से उसको लाकर आप, जैसे कि नज़दीक रहेगा तो उसको उठाकर 3, 4, या 5 लोग भी उसको ढक्कन को उठाकर लाकर रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा दूरी करने पे थोड़ी सी समस्या होगी, तो अगर मान लीजिए कि आपके घर के सामने रोड है, तो उस पर नज़दीक में डाल लीजिए। अब इसके दीवार को बनने के बाद इसमें देख सकते हैं कि इसमें अब प्लास्टर का काम लग गया है। इस प्लास्टर को करने में मात्र 1 लगता है, स्टोरेज के हिसाब से निर्भर करता है, और 2 रहेंगे तो इसको 1 में प्लास्टर करके उस पर सीमेंट का लेप लगा देंगे, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ये मिस्त्री के पीछे देख सकते हैं कि एक पाइप लगा हुआ है जो नीचे
यहाँ मेरे लेफ्ट साइड यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ तो ये वाला पाइप से ही होकर वो चला जाएगा सोखता में, और ये वाला जो तीन तीन खाने दिख रहे हैं यहाँ से पानी पास करेगा, और ये वाला पे मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे मिस्त्री खड़े हैं जहाँ करनी लगा रहे हैं वहाँ पे एक जो पाइप लगा हुआ था दो ठो, तो एक इनका टॉयलेट है थोड़ा सा नीचे है, एक टॉयलेट थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से इनका दो जगह से पाइप निकला हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि सीमेंट का लेप लगा दिया गया है। अब जब इस पर आप प्लास्टर कर देंगे, सीमेंट का लेप लगा देंगे, तो उसमें एक दिन के लिए इसमें पानी भर के देखा जाता है ताकि पानी का लीकेज तो नहीं कर रहा है ना सेफ्टी टैंक से। अब मैं इसमें आपको एक और विधि बता देता हूँ कि आप सेफ्टी टैंक के ढक्कन को कैसे ढालेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें तीन सूत के सरिया का प्रयोग किया गया है, फिर उसे वायरिंग बैंड वाले से वायर किया गया है, और इसमें अब देख सकते हैं कि अब मटेरियल से इसको ढाला जा रहा है, और इसमें जो मोटाई लेनी है आपकी, जैसे कि ईंट को बिछा दिया गया है देख सकते हैं कि यहाँ पर, उतना ही मोटाई आपको करीब करीब 3 से लेकर 4 इंच तक की मोटाई आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसे बनाए ढालने के लिए सबसे पहले नीचे सफ़ेद वाली बालू को कर लिया जाता है, ताकि जब सफ़ेद वाला बालू रहेगा तो जब उसके जो ढाला रहेगा सेफ्टी टैंक का कवर, इसको उठाने में आसानी रहेगी। नहीं तो नॉर्मली अगर कहीं ऐसी जगह पर ढाल देंगे जहाँ पे दोनों नीचे और ऊपर वाला अटैच हो जाएगा तो फिर उठ नहीं पाएगा, फिर उसे तोड़कर आपका मल पूरा मटेरियल निकालना पड़ेगा जो कि नुकसान हो जाएगा आपके लिए। तो उसको बनाने के लिए सेफ्टी टैंक को अच्छे मिस्त्री से आप सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद नीचे से सफ़ेद बालू को बिछा कर उसके बाद सब बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद फिर उसके ऊपर सेफ्टी टैंक को ढालते हैं, और इसके लिए जो मसाला चाहिए उसके लिए मैं बता देता हूँ कि पहले रहेगा बालू, मोटी वाली बालू रहे तो सबसे अच्छी है। बालू 3 प्रकार की होती है, एक महीन बालू होती है, एक मीडियम बालू और एक मोटी वाली। मोटी वाली से अधिकतर ढलाई के लिए उपयोग होता है, मैं जो मीडियम वाली होती है उसे जोड़ते हैं, और जो एकदम महीन वाली होती है एकदम सबसे पतली वाली बालू उसे प्लास्टर किया जाता है ताकि उसे फिनिशिंग आ सके। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि सेफ्टी टैंक के कवर को ढालने के लिए मोटी वाली बालू का प्रयोग करना चाहिए। अब मैंने जब शुरुआत में ही दिखाया था कि इसको ढाले हुए ढलाई जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि 3 इंच का ये तो ढलाई गया है, अब इसको ढाले हुए दोस्तों 3 या 4 दिन बीत गए हैं। 4 इंच की देख सकते हैं कि जितना खड़ा ईट है यानी कि 4 इंच का ये ढला हुआ है मोटाई में। तो शुरुआत में मैंने ये बताया था कि जैसा कि मैंने बताया था कि जब सेफ्टी टैंक की जो लंबाई चौड़ाई होती है उस पर निर्भर करता है कि आप जो सेफ्टी टैंक का कवर होगा उसकी माप और मोटाई कितनी रहेगी। जरूरत के हिसाब से आप इसको पतला भी बना सकते हैं अगर आपको छोटा सेफ्टी टैंक है तो, अगर नहीं तो लंबा चौड़ा है तो उसको सेफ्टी टैंक को आप ढक्कन को आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटाई करेंगे तो सही रहेगा ताकि मजबूती रहेगी। बात ये होती है कि 20 या 25 साल तक के लिए लोग बनवाते हैं सेफ्टी टैंक, तब तक मान लीजिए कि सीवर आ ही जाता है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी बनाए मटेरियल उसमें कोई दिक्कत हो। आप देख सकते हैं कि इसके सेफ्टी टैंक के ढक्कन को इस पर रख दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इसके जो जैन है उसको भर दिया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मैं हूँ अतुल मौर्य, बाय।